बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड गुड एंड यू ऑल हैव डन रिटन प्रैक्टिस ऑफ द प्रीवियस लेक्चर इन योर रफ नोटबुक्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल राइट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू बुक पेज नंबर 83 इन रफ नोटबुक। स्टूडेंट्स, आज हम बुक पेज नंबर 83 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रफ कॉपी में राइट करेंगे। फर्स्ट आपने अपने रफ नोटबुक्स ओपन करने हैं, देन ड्रा स्ट्रेट मार्जिन लाइंस ऑन बोथ साइड ऑफ द पेज लाइक दिस, देन प्रिपेयर द पेज, राइट सीरियल नंबर S.NO, रफ वर्क एंड स्पेलिंग ऑफ मैथ्स। Leave the top line and two blocks from the sides in the second line and write spelling of page, P-A-G-E, page number 83. Leave one line and write the question number 1. Leave one block from the side and write spelling of Salma, S. A-L-M-A, Salma has, H-A-S, has flowers. अब कितने flowers हैं? हम count करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salma has 7 flowers. Salma के पास 7 फूल हैं. She gave flowers टू हर सिस्टर। सलमा ने अपनी सिस्टर को फ्लावर्स दिए। अब कितने फ्लावर्स दिए, इसके लिए हम फ्लावर्स को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। सलमा ने अपनी सिस्टर को 4 फ्लावर्स दिए। शी हैज ब्लैंक फ्लावर्स नाउ। सिस्टर को 4 फ्लावर्स देने के बाद सलमा के पास अब कितने फ्लावर्स हैं, तो वो नंबर हमने यहाँ पे ब्लैंक में राइट करना है। इसके लिए फर्स्ट हमने रफ वर्क करना है। हम वन लाइन लीव करके राइट करेंगे, आर, कैपिटल आर डॉट डब्ल्यू, रफ वर्क। रफ वर्क फर्स्ट हमारे पास, सलमा के पास है फ्लावर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फर्स्ट हम राइट करेंगे नंबर 7। 7 के बाद हम नेक्स्ट ब्लॉक में राइट करेंगे माइनस सिंबल। अब हम सलमा ने जितने फ्लावर्स अपनी सिस्टर को दिए हैं वो नंबर काउंट करेंगे कि कितने हैं, 1, 2, 3, 4। माइनस सिंबल के बाद हम वन ब्लॉक लीव करके राइट करेंगे नंबर 4। 4 के बाद हम नेक्स्ट ब्लॉक में राइट करेंगे इक्वल सिंबल, 7 - 4 इज इक्वल टू। अब हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 - 4 है तो 4 लाइंस को हम क्रॉस आउट करेंगे, 1, 2, 3, 4। रिमेनिंग लाइंस है 1, 2, 3। मीन्स सलमा के पास है 3 फ्लावर्स। इक्वल सिंबल के बाद वन ब्लॉक लीव करके हमने नेक्स्ट ब्लॉक में राइट करना है आंसर 3। और 3 के साथ हम राइट करेंगे फ्लावर्स की स्पेलिंग, FLOWERS। सलमा के पास फ्लावर्स रहते हैं 3, मीन्स आंसर हमारे पास है 3। तो हमने यहाँ ब्लैंक में भी राइट करना है, शी हैज
थ्री फ्लावर्स नाउ। अब हमने R डॉट W को और नीचे जो हमने इक्वेशन राइट किया है उसको अंडरलाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर। क्वेश्चन नंबर वन हमने सॉल्व किया, अब हम क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे। पेज टर्न करें। नेक्स्ट पेज पे भी आपने ऐसे स्ट्रेट मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है पेज के दोनों साइड्स पे। पेज रेडी करने के लिए आपने ऊपर राइट करना है सीरियल नंबर एस डॉट एन ओ रफ वर्क एंड स्पेलिंग ऑफ मैथ्स। क्वेश्चन नंबर टू राइट करने के लिए आपने टॉप वाली लाइन लीव करनी है और साइड से वन ब्लॉक लीव करके आपने राइट करना है स्पेलिंग ऑफ यासिर। वाई ए एस आई आर यासिर हैज एच ए एस हैज बॉल्स। यासिर के पास बॉल्स हैं। अब हम काउंट करेंगे कि कितने बॉल्स हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। यासिर के पास है एट बॉल्स। ही गेव बॉल्स टू इकबाल। यासिर ने इकबाल को बॉल्स दिए। कितने बॉल्स दिए वो नंबर भी हम काउंट करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव। यासिर के पास अपने एट बॉल्स हैं। यासिर ने इकबाल को फाइव बॉल्स दिए। ही हैज ब्लैंक बॉल्स नाउ। उसके पास अब कितने बॉल्स हैं तो वो नंबर हमने यहाँ ब्लैंक में राइट करना है। इसके लिए हम रफ वर्क करेंगे। नेक्स्ट लाइन में हमने राइट करना है आर कैपिटल आर डॉट डब्ल्यू रफ वर्क। वन लाइन लीव करके नेक्स्ट लाइन में हम इक्वेशन राइट करेंगे क्वेश्चन राइट करेंगे। यासिर के पास बॉल्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। मीन्स हमने यहाँ पे नंबर राइट करना है एट। एट के बाद नेक्स्ट ब्लॉक में हम सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन माइनस राइट करेंगे। फिर हमने राइट करना है वो नंबर ऑफ बॉल्स जो यासिर ने इकबाल को दिए। उसके लिए हम काउंट करेंगे इन बॉल्स को। वन टू थ्री फोर फाइव। माइनस सिंबल के बाद वन ब्लॉक लीव करके हमने राइट करना है नंबर फाइव। फाइव के बाद हम राइट करेंगे इक्वल सिंबल और इक्वल सिंबल के बाद हमने राइट करना है यहाँ पे आंसर। इसके लिए हम फर्स्ट एट लाइंस ड्रॉ करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। एट माइनस फाइव है मीन्स एट लाइन से हमने फाइव लाइन्स को क्रॉस आउट करना है। वन टू थ्री फोर फाइव। हमारे पास रिमेनिंग लाइन्स है वन टू थ्री। इक्वल के बाद हम आंसर राइट करेंगे थ्री। मीन्स यासिर ने एट बॉल से इकबाल को फाइव बॉल्स दिए तो उसके पास रह गए थ्री बॉल्स। थ्री के साथ हमने राइट करना है स्पेलिंग ऑफ बॉल्स बी ए डबल एल एस बॉल्स। यहाँ पे भी हमने ब्लैंक में राइट करना है आंसर थ्री। ही हैज थ्री बॉल्स नाउ। यासिर के पास रहते हैं थ्री बॉल्स। अब हमने रफ वर्क को और क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर। आर डॉट डब्ल्यू को हम ग्रीन कलर से अंडरलाइन करेंगे और नीचे हमने जो रफ वर्क किया है क्वेश्चन उसको भी हम अंडरलाइन करेंगे ग्रीन कलर से। स्टूडेंट्स आई होप आपको इन टू क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। आप सब भी अपने रफ नोटबुक में बिल्कुल नीट नीट इन टू क्वेश्चंस को
राइट करें और इसकी रिटन प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स आप अपना मैथ्स होमवर्क नोट करें। मैथ्स होमवर्क रिटन, डू रिटन प्रैक्टिस ऑफ नंबर इन वर्ड्स 1 to 30 इन रफ नोटबुक। ओके बाय स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो।